मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो अमित ए अचरज देखो मोमिनो कैसा समय हुआ सके। एक घटनाक्रम है, पन्ना जी मिश्री जी 5000 की जमात के साथ जागनी लीला कर रहे हैं। राजा राम ठाकुर भाई जिनकी आत्मा विक्रम संवत 1732-33 में जागृत होती है मिर्दे के अंदर, अपना सब कुछ राज्य के ऊपर कुर्बान कर देते। 5000 सुंदर साथ के सेवा में जो भी खर्च लगता है सारी सेवा किसकी होती है? राजा राम और ठाकुर भाई की। श्री जी ने उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, अपना सारा धन राज्य के चरणों में लोग सौंप दिया था। श्री जी ने कहा था कि तुम अर्थोपार्जन करो, जो व्यवसाय कर रहे हो करो, परिवार का खर्च निकालने के बाद जो कुछ बचता है सब भेज दिया करो। अब देखिए कोई कार्यक्रम करते हैं कितनी संख्या होती है, 2000, 3000, 1000 की। सुंदर साहब मुश्किल से एक दिन की सेवा दे पाता, लेकिन 1732 से लेकर विक्रम संवत 1732 से लेकर कम से कम 42-43 तक 10 साल तक सुंदर साथ ने सेवा दी अकेले। और वो भी 1-2 हजार की नहीं, 5000 सुंदर साथ के भोजन वस्त्र की सारी सेवा अकेले राजा राम चंद्र भाई ने दी थी। जब जागनी लीला समाप्त होगी परम धाम में उनका नाम स्वर्णाक्षर में रहेगा। धन किसका होता है? मनुष्य का ये भ्रम है, वो सोचता है कि धन मेरा है। वेद ने एक मंत्र में कहा है कि मां घृत कस्य धनम, किसी के धन की लालसा न रखो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान। हमारी संस्कृत का क्या घोष है, मातृवत पर दारिश पर द्रव्येश लुष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश या प्रसिद्ध से पंडित है। पंडित किसको कहते हैं? जो पहली स्त्री को माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे और सभी प्राणियों को अपने समान समझे। आत्मवत सर्वभूतेश का तात्पर्य क्या है? यह अनुभव करें कि जो मेरे अंदर चेतना है वैसी ही चेतना सभी प्राणियों के अंदर है, इसलिए किसी भी प्राणी को मन से वाणी से कर्म से कष्ट न दे। हम ऐसा कट वचन न बोले जिससे किसी के हृदय को दुख लगे। यदि हम चाहते हैं कि सब हमसे प्रेम करें तो हमें भी सबसे प्रेम की भाषा सीखनी पड़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें तो हमें दूसरों के सम्मान करने की भावना सीखनी होगी। जब तक आप अपने समान दूसरों को नहीं समझेंगे तब तक आप पंडित कहलाने के अधिकारी नहीं है। 3 गुण होने चाहिए पंडित कहलाने। आजकल तो जन्म से पंडित माना जाता है, चाहे वो शराब पी रहा हो मांस खा रहा हो तो भी पंडित कर रहा है। गीता क्या कहती है? मातृवत पर दारिश पर द्रव्येश लुष्टवत। 3 चीजें बताई, पराई स्त्री को मां समझना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान तुच्छ समझना, उसकी लालसा ना करना और अपने समान ही सब कुछ समझना। जो ये 3 बातों को आचरण में लेता है एक दिन महान बनता है। 5000 की संख्या है। अब छत्रसाल जी ने सब सुंदर साहब की सेवा का बोझ उठा लिया है। आप देखिए छत्रसाल जी को बहुत व्यथित होना पड़ता है। आप जानते हैं कि औरंगजेब की सेना हमेशा पीछा कर रही थी। श्री जी जहां भी जाते हैं, उदयपुर जाते हैं वहां पीछे लग जाते हैं, मंदसौर जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, रामनगर जाते हैं। औरंगजेब क्या सोचता था कि यदि मैंने सीधे सीधे चरणों में शीश झुका दिया तो सारे हिंदुस्तान में संकेत यही जाएगा कि अब औरंगजेब भी एक हिंदू वैरागी का शिष्य बन गया है। वह यह चाहता था कि मैं सुंदर साहब को श्री जी के साथ सहित कैद करा लूं, अकेले में मिलकर तारतम्य ज्ञान भी ले लूं और ये जाहिर कर दूंगा कि मैंने तो श्री जी को कैदखाने में रख रखा है। ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? अहंकार की होती है। साक्षात अक्षरातीत आते हैं हर द्वार में,
सभी संप्रदायों के आचार्य जान जाते हैं कि ये विजय अपनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, उनके नाम की ध्वजा पताका भी फहराते हैं, आरती भी उतार देते हैं कि अभी विजय अपनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हो, लेकिन तारतम कोई भी नहीं लेता। सबके बीच में क्या खाया जा रहा है? अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी माया है। आप ने शायद संभवतः नहीं सुना होगा, नई पीढ़ी ने, डोंगरे जी महाराज जब भागवत करते थे तो कई लाख की संख्या इकट्ठी होती थी, 1 लाख 2 लाख तो सामान्य सी बात है। और उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भी बहुत थोड़ी करवाई, जल्दी करवाते नहीं थे, उनके मुख में कैंसर था और उस कैंसर ने उनको पीड़ा सिखा दी। जब वो भागवत की कथा करते थे तो खुद रोते थे और श्रोताओं को भी रुलाते थे। लेकिन वो अपनी कथा में एक बात कहा करते थे कि कान्हा मेरा अगला जन्म प्रणामी के घर दे देना ताकि मैं तेरे स्वरूप को अच्छी तरह से जान जाऊं। सब कुछ जानते थे लेकिन सोचते थे कि अब लाखों मेरे शिष्य हैं, इनके सामने मैं कैसे तारतम ले सकता हूं, किसी से मेरी इज्जत क्या रहेगी। अब सोचिए मेरी इज्जत, यही तो सबसे बड़ी बात है। वाणी क्या कहती है? मार प्रतिष्ठा पहचानो जो दगा देत विष्ठान, यही स्वरूप दज्जाल को उड़ाए देंगे पहचान। दज्जाल को मारने, दज्जाल किसको कहते हैं? अज्ञानता के बंधन को। मार प्रतिष्ठा पहचानो, पहचानो किसको कहते हैं? जिसे बोलचाल में कहते हैं ना, किसी को जूते से मारना, प्रतिष्ठा को जूते से मारना। इसका मतलब नहीं कि हम बदनाम हो जाए, हम सत्य मार्ग पर चलते हुए यदि बदनाम होते हैं तो कोई चिंता नहीं। हाँ, हमें अपने मन से, वाणी से, कर्म से ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध। धर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि अपमान झेलना पड़ता है तो इसमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आप देखिए कि महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, सत्य की रक्षा के लिए ये चंडाल के यहाँ नौकरी करते हैं। उनकी महारानी और उनका बेटा दूसरी जगह काम कर रहे हैं। जो पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट हो, एक चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहा है, श्मशान घाट में लाठी लेकर पा रहा है, उसको शर्म नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं आज कभी चक्रवर्ती सम्राट था और आज चंडाल की नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी दिन रात। और धर्म पर इतना अटल कि जानते हैं कि मेरे बेटे को सर्प ने काटा है, उसी का दाह संस्कार करना है। और अपनी पत्नी साध्या को कहते हैं कि नहीं, कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। वो रोती भी कहती है कि महाराज आपका इकलौता पुत्र है, मैं कर कहाँ से दूं। हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता, मैं इस समय हरिश्चंद्र महाराज नहीं हूँ, मैं एक चंडाल का कर्मचारी हूँ और उसकी नौकरी कर रहा हूं, तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम अपनी साड़ी फाड़ कर दो। और देना पड़ता है, जैसे ही साड़ी फाड़ने का प्रयास करती है, परीक्षा तो ले जा रहे थे, त्रिदेव प्रकट हो जाते हैं, विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं, उनका पुत्र भी जीवित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र की बदनामी होती है तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं। गौतम बुद्ध की भी बहुत बदनामी होती है। गौतम बुद्ध के विरोधियों ने आरोप लगाया कि गौतम बुद्ध का आचरण बहुत खराब है। एक गड़िका जिसको बोलचाल की भाषा में वेश्या कहते हैं, उसको तैयार किया गया पैसा देकर, उसने पेट में कपड़ा भर लिया। जैसे सभा लगी हुई है, सभा के समय इकट्ठी हुई और जाकर कहती है कि महाराज आप अपने होने वाले बच्चे की व्यवस्था कीजिए। सभा में सन्नाटा छा जाता है। बुद्ध के चेहरे पर कोई उद्विग्नता नहीं है, क्योंकि बुद्ध क्यों प्रमाण दें कि मैं पवित्र हूं, शांत बैठे रहते हैं। जो जहां हजारों की संख्या आती है वो मात्र उंगलियों पर गिने जाने वाली रह गई। जहां मान लीजिए 2000 की संख्या आती थी, अब 20 रह गई। आनंद कहते हैं कि भगवान आप एक बार अपनी सफाई क्यों नहीं देते। बुद्ध हंसते हैं, कहते हैं कि आनंद उगता हुआ सूरज क्या बोलता है कि मैं सूरज हूँ, उसका प्रकाश बताता है कि मैं उग रहा हूँ, इससे मुझे
प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध के चेहरे पर धैर्य है, कहने का आशय क्या है, मनुष्य को सत्य का आचरण करना चाहिए। नहीं सत्या परो धर्म त्रिश्लोकेश विद्यते मिथ्या स्मरण नास्ति पापं तस्मात् सत्यं समाचरेत। तीनों लोकों में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। मन वाणी और कर्म से जो सत्य का आचरण करता है, धर्म का आचरण करता है, चाहे कितनी भी बदनामी हो जाए, सारा संसार बैरी हो जाए, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपके साथ सत्य है, आप सत्य के साथ हैं, तो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परमात्मा भी आपके साथ है। अब राजा राम ठाकुर भाई ने अपना जीवन सौंप दिया है श्री जी के चरणों में। उनकी इच्छा होती है कि सब संसार श्री जी के पास पहुंच गया है, हमारा सेवा कार्य तो 10 वर्षों से अधिक हो गया, 10 वर्ष से ज्यादा ही किया होगा, अनुमानतः 12 वर्ष से कम सेवा नहीं रही होगी, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी को बाद में अनुभव होता है एक दिन कि 5000 का सुंदर साथ है, कहां से भोजन की व्यवस्था आती है। बाद में जब पता चलता है कि राजा राम और झाझन भाई ये सारी सेवा करते हैं, तो फूट फूट कर छत्रसाल जी रोते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा कब मिलेगी। श्री जी के पास आते हैं, कहते हैं कि धामधनी मैं सेवा करना चाहता हूँ। श्री जी कहते हैं कि अच्छा, जानते हैं अक्षरातीत हैं कि इनके पास इतना धन तो नहीं है कि 5000 सुंदर साथ का प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर सके। कहते हैं कि तुम अपना घोड़ा लेकर आओ। उस समय क्या था, आजकल की तरह लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, कर्ण और अर्जुन एक साथ रहते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, महाभारत के युद्ध का भी समापन हो जाता है, तभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन को नहीं बताते हैं कि कर्ण तुम्हारा भाई था। यदि पहले ही कृष्ण बता देते कि युधिष्ठिर कर्ण तुम्हारा भाई है, तो हो सकता है महाभारत का युद्ध सेट हो जाता। आजकल तो कोई एक बात होती नहीं, जब तक 10 जगह कोई कहेगा नहीं तब तक भोजन नहीं बचता। और उस समय देखिए भीष्म पितामह भी छिपाए हुए हैं, कृष्ण भी छिपाए हैं, दिन रात अर्जुन के साथ रह रहे हैं, कभी जिक्र नहीं किया कि कर्ण तुम्हारा भाई, देख रहे हैं कि लड़ाइयां हो रही है। अब श्री जी कहते हैं कि देखो छत्ता, तुम घोड़ा दौड़ा कर ले आओ, जितन सवेरे से लेकर शाम तक घोड़ा दौड़ा कर तुम शाम को मेरे पास आना। आगे नहीं बताया कि क्या होगा क्या नहीं आया। जब घोड़ा दौड़ा कर लाते हैं तो श्री जी कहते हैं कि छत्ता, जहां तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ा है वहां तक की धरती हीरा उगलती रहेगी और इसे तुम सेवा करो। छत्रसाल कहते हैं कि श्री जी, ये तो मेरी कोई सेवा नहीं है, ये तो आपके वरदान का हीरा है, तो मेरी सेवा क्या हुई, ये तो मैं अपने बाहुबल के से ऐसा करूंगा। और छत्रसाल जी व्रत लेते हैं, सेना तैयार करते हैं, चाहे हिंदू राजा हो या मुस्लिम बादशाह, सबको कहते हैं कि या तो श्री जी से शास्त्रार्थ करो। श्री जी को हथनी पर चढ़ाते हैं, खड़ौत कालपीत जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि देखो, या तो तुम शास्त्रार्थ में श्री जी को परास्त करो या नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम मानते हो कि ये विजयानंद बुद्ध निष्कल स्वरूप है या मानते हो कि कतेब पक्षी के अनुसार इमाम महदी है, तो तुम जो कर औरंगजेब को देते हो वह कर औरंगजेब को नहीं दोगे, मुझे दो। और परिणाम क्या होता है, सारा बुंदेलखंड भारत का लगभग तिहाई चौथाई हिस्सा महाराजा छत्रसाल जी के अधीनस्थ हो जाता है। खजाने में जो धन आता है उसी धन से सब सुंदर साथ की सेवा की जाती है। जब ये खबर राजा राम झांझन भाई को पहुंचती है कि राजा राम झांझन भाई जब सुनते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी ने 5000 सुंदर साथ की सेवा का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है, तो वे पत्र लिखते हैं, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवेद। क्या कहा कि महाराजा छत्रसाल जी, यदि आपकी स्वीकृति हो तो हम भी आ जाएं, क्योंकि हम भी श्री जी के साथ दिन रात रहना चाहते हैं, वाणी चर्चा का आनंद लेना चाहते हैं।
अब ये किरंतन उसी संदर्भ में उतरता है, ये अचरज देखो मोमिनो कैसा समय आवा सकत, कितना कठोर समय है कि कोई किसी से पूछ रहा है कि हम आपके यहाँ आ जाए। जैसे शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो ये हमारे देश की समाज की एक मान्यता होती है, चाहे कोई कितना भी घनिष्ठ हो जब तक निमंत्रण न दे तब तक नहीं जाना चाहिए। रामायण में कथा कही आती है, सती को लगा कि मेरे पिता का ही तो यज्ञ हो रहा है, भले ही भगवान शिव को निमंत्रण दिया है तो नहीं दिया है, मैं पिता के घर तो जा ही सकती हूँ। भगवान शिव ने मना किया कि मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं मेरे ससुर हैं मेरे से बैर रखते हैं, तुम्हारा जन्म उचित नहीं हुआ होगा। सती जाती है, देखती है कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो चिता तो यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग देती है। भगवान शिव वीरभद्र को भेजते हैं और यज्ञ का विध्वंस का हो जाता है। ऐसे क्या है, संसार की जो रिश्तेदारी होती है 3 दिनों की होती है। कोई भी रिश्ता हो, किसी के यहाँ बेटी ब्याही जाती है, बेटा ब्याही जाता है, और भी कितने समाज के रिश्ते होते हैं, उनको आध्यात्मिक तत्व की पहचान नहीं होती है। इसलिए कभी भी रिश्तेदारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा परिवार क्या है, कर कबीला पार का अंकुर बल सुधी, सुंदर सात का परिवार है। सुंदर सात से यदि पूछे कि आपकी सुकृति हो तो आऊं, तो ये बहुत ही दुखद होता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा संबंध क्या है, परम धाम का संबंध है। संसार के रिश्तों का संबंध किससे होता है, धन पर ये रिश्ते आधारित होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए सारे रिश्ते बने होते हैं। पुत्री का विवाह होता है, यदि दहेज नहीं दिया जाता है तो लड़के वाले क्या सोचते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, कई बार लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मानवता का वहां संबंध नहीं होता, संबंध किसका होता है, रिश्ते का, धन का। आत्मा का संबंध क्या है, जैसे देखिए जब सारे सुंदर साथ एकत्रित होते हैं एक जगह, कोई नेपाल का है, कोई पंजाब का है, कोई असम का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है, जिसको वास्तविक सुंदर साथ कहते हैं कि ये सुंदर साथ है, तो सब भूल जाते हैं कौन किस प्रांत का है, कहाँ का रहने वाला है, गरीब है अमीर है, सब में एक आत्मिक प्रेम क्रीड़ा करने लगता है। जहां दीवारें खड़े हो जाती हैं वहां एक मन में खटास सी पीड़ा, खटास सा अनुभव में आता है। इस संसार में क्या है, यदि आपने अरबों की संपत्ति कमा ली है तो धन संपत्ति यही छूट जाएगी। आपका बहुत सुंदर शरीर है, एक दिन यह भी वृद्ध हो जाएगा। आपने जो प्रतिष्ठा कमाई है यह भी नष्ट हो जाएगी। अखंड संपदा क्या है, परम धाम का ज्ञान और परम धाम का प्रेम और वह राज्य का प्रेम। इस जागने के ब्रह्मांड में आप किसी से घृणा करते हैं तो आप किससे घृणा कर रहे हैं, उसके हृदय में बैठी हुई परम धाम की आत्मा है। उस आत्मा के धाम हृदय में आपका वह अक्षरातीत विराजमान है जिसको आपने प्रतीक रूप में मंदिर पर बसा रखा। मंदिर में बैठे हुए वाणी के स्वरूप को आप राज्य का ज्ञानमय स्वरूप मानकर आरती उतारते हैं, और जो वाणी कहती है कि हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार, सुंदर साथ के हृदय में बैठे हुए राज्य से घृणा करते हैं तो वाणी क्या कहती है कि मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, हाय हाय ये अचरज देखो मोमिनों कैसा समय आवा सकत, ये कितना कठोर समय समय आ गया कि एक सुंदर साथ को दूसरे सुंदर साथ से पूछना पड़ता है कि हम आपके यहाँ आ जाए। धार्मिक कार्यक्रम में निमंत्रण मिले या ना मिले सबको अधिकार होता है जाने का। हाँ आजकल कुछ कड़वाहट बढ़ गई है, भेदभाव जरूर होता है तो प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, लेकिन दो वर्ग हैं आप जानते ही हैं, एक वर्ग निजानंदी का होता है, एक वर्ग प्रारंभिक होता है। हो सकता है एक वर्ग दूसरे को निमंत्रण न दे तो कई बार लगता है कि जाना ठीक नहीं है,
लेकिन एक वर्ग में अलग अलग स्थानों के जो भी सुंदर साथ हैं, मैं तो वो उस दिन की प्रतीक्षा करता हूँ जब सारा समाज एक झंडे के नीचे आ जाएगा, न कोई प्रणामी रहे न निजानंदी रहे, सब परम धाम की परमात्मा है, कोई भेदभाव न रह जाए। एक झोपड़ी है उसमें दो भाई रहते हैं, एक रोटी होती है, दोनों प्रेम से बांट बांट कर खाते हैं, तो उसमें जो सुख मिलेगा छिप करके छप्पन भोग खाने में भी नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रेम का सुख कुछ दूसरा ही होता है। जिस दिन सारी मानव जाति के अंदर दिव्य प्रेम आ जाएगा, दिव्य प्रेम किसको कहते हैं, एक तो आकर्षण होता है, शारीरिक सौंदर्य का आकर्षण होता है, उससे जो मोह बनता है उसको क्या कहते हैं इस माया की भाषा में कि हमें प्रेम हो गया, वो प्रेम नहीं होता। सौंदर्य के ढलते ही वो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। प्रेम वह है जो आत्मा के साथ होता है, शरीर के साथ नहीं होता है, और वो दिव्य प्रेम कहलाता है। परमधाम की आत्माओं में यही प्रेम वास करता है, और जिस दिन सब सुंदर साथ उसी परमधाम के संबंध को निभाएंगे, दुनिया के संबंध नहीं कि हम एक पड़ोसी हैं या एक बिरादरी के हैं, एक प्रांत के हैं, एक देश के हैं, ये प्रेम नहीं है। इसके आधार पर जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो मोह कहलाएगा। हम परम धाम के हैं और परम धाम के संबंध से कोई कहीं का भी सुंदर साथ है, काला कलोटा हो, कंगाल हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, जब हम सब में एक चेतना को देखेंगे तो हम दिव्य प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं। जब बच्चे और बूढ़े में, स्त्री और पुरुष में, कंगाल में और धनवान में हमें भेद न प्रतीत हो, क्योंकि हम सबके अंदर परम धाम की आत्मा को देख रहे हैं, तो हम परम धाम के प्रेम के राह कह जा सकते हैं। और उस अवस्था में क्या होगा, कोई किसी से पूछेगा नहीं। एक चौपाई आती है कि मोमिन जो परम धाम की परमात्मा है वो क्या करेंगे, मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना माल, सो अरवा ने अर्श की ना तिन सिर नूर जमा। अब इसका दुरुपयोग भी होता है, मोमिन रखे मोमिन सो जो तन मन अपना माल, यदि एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से कुछ भेदभाव रखती है शरीर के आधार पर, रूप रंग के आधार पर, धन के आधार पर, तन मन अपना माल, परमात्मा किसको कहते हैं, तन दिल दो एक रूह कहियत है सो, जो उसके दिल में हो वही उसके जबान में। आप देखिए गरीब गरीब बेचारे एक जगह बैठे रहते हैं क्योंकि उनको कोई पूछेगा नहीं, जो करोड़पति होगा किसी गरीब से दोस्ती क्यों करेगा, उसको लगेगा कि मेरी कितनी बदनामी होगी कि मैं एक कंगाल के साथ बैठा। लेकिन परमात्मा परमात्मा के साथ शरीर का भेद नहीं देखेगी कि मैं काला कलूटा हूँ वो सुंदर है, मन में कोई भेद नहीं रखेगी कि मन में कुछ और है, और धन के आधार पर भी भेद नहीं रखेगी, वो यही सोचेगी कि यदि मेरे पास धन है और किसी सुंदर साथ को कष्ट है तो ये मेरा धन उसका है, उसको सहायता करेगी। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या होता है, हर कार्यक्रम में जाइए एक की चप्पल दूसरे पहन कर चल देते हैं, सोचते हैं कि सबका ही तो है, ये गलत है। आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की को परेशानी में न डालिए, हाँ जो आपका है उसको देने की नियत रखिए, लेने की नियत ना रखिए। हर कोई जब देगा ही तो क्या होगा, कोई किसी का लेना नहीं चाहेगा। यदि हम केवल लेना जानते हैं देना नहीं जानते तो परिणाम क्या होता है, आप देखिए प्रकृति से शिक्षा लीजिए, वृक्ष फल देता है आपसे कुछ नहीं लेता, हवा आपको जीवन देती है, जल आपको जीवन देता है, ये जड़ पदार्थ है, आपसे कुछ लेते नहीं है। आप परम धाम की परमात्मा है तो आप संसार को केवल देते रहिए, और ये मत समझिए कि कमी हो जाएगी। जब रहीम दास जी कुछ देते रहते थे, दान करते थे, तो सिर नीचा किए रहते थे, लेने वाले पंक्ति लगा कर रहते थे, पहली बार जो ले लेते थे फिर कुछ देर के बाद उस पंक्ति में सम्मिलित हो जाते थे, दोबारा ले लेते थे। किसी ने टूका कि रहीम दास जी देख भी लिया कीजिए कि एक ही चीज को लोग कई कई बार ले रहे हैं। रहीम दास जी ने सिर नहीं उठाया
और क्या कहा है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहें वे भरम मुझ पर करें ताते नीचे ने, देने वाला कोई और है। इससे मैंने अपनी दृष्टि को ऊपर नहीं करता कि मैं दे ही नहीं रहा हूं तो फिर मैं क्यों ये जांच करूं कि किसी ने दोबारा तो नहीं लिया। परम धाम की आत्माओं के लिए सिखापन है कि हम जो सुंदर साथ में सुंदर साथ के प्रति भेदभाव करते हैं, जिस दिन ये भेदभाव मिट जाएगा, सबके अंदर हम एक चेतना को देखें, आत्मवत सर्वभूतेश या पश्चित से पंडित। आत्मवत का अर्थ क्या होता है, अपने समान। हम अपने समान क्या दूसरों को समझते हैं, नहीं, हम अपनी पीड़ा समझते हैं, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। मैंने कई बार देखा है सुंदर साथ कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन जहाँ ठहरना होता है, गद्दे के लिए मन मुटाओ, झगड़े के ये कमरे के लिए मन मुटाओ, कहीं बस में यात्रा करनी है तो युवा वर्ग सबसे आगे बैठ जाएगा, बुजुर्गों को बेचारों को पीछे बैठा देगा कि गाड़ी जंप करे चाहे कुछ भी करे, हर कोई अपने बारे में सोचता है, वो सुंदर साथ का रिश्ता ही भूल जाता है। सुंदर साथ का नहीं, मानवता का भी रिश्ता पाना चाहिए। हम दूसरों की सुविधा का ध्यान रखेंगे तो यही हमारी मानवता है। मैंने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में युवा वर्ग भाग करके अच्छी सीट पकड़ लेगा और महिला को खड़े रहना पड़ता है। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति में क्या होता है, वयोवृद्ध को किसी महिला को पहले स्थान दिया जाता है। मैं बस की एक घटना का उदाहरण बता रहा हूं कि यदि हम अपना दृष्टिकोण उदार बनाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, और संकुचित भावना रखते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। मैं उस समय रतनपुरी आश्रम में रहा करता था, किसी कारण से मुझे खतौली जाना पड़ा, तो कहीं से मैं आ रहा था, बस में जगह नहीं थी, मैं खड़ा था, एक पैसेंजर उतरता है, मैं सोचता हूँ कि चलो मैं बैठूं, मेरे पीछे से आकर एक आदमी झटके से उस जगह बैठ गया, तो मैं रुक गया। मैं देख रहा था कि पहला अधिकार मेरा था क्योंकि सीट के पास मैं था, उसने बेईमानी से आकर बैठ लिया। फिर अगला स्टेशन आया तो मैं कुछ आगे बढ़ा, एक और व्यक्ति आगे बढ़ा, वो टिटक गया, कहे कि नहीं आप बैठिए। मैंने सोचा कि पहले कह रहे हैं कि आप बैठिए, मैंने कहा कि नहीं आप बैठिए। अब दोनों में बहस हो रही है कि दोनों कह रहे हैं कि आप बैठिए आप बैठिए, एक तो जबरदस्ती हड़प लिया, अब एक जो समझदार निकला तो कोई बैठने को तैयार नहीं, न मैं बैठने को न वो बैठने को। अंत में निर्णय ये हुआ कि चलो आधी एक ही सीट पर आधी आधी दोनों बैठ लेते हैं। अब सोचिए इसी को क्या कहते हैं, मानवता। देवत्व और असुरत्व क्या है, देवता केवल देना जानते हैं और असुर केवल लेना जानते हैं। प्रजापति ने तीन उपदेश दिए द अक्षर से, देवताओं को कहा द यानी दमन करो, असुरों को कहा दया करो और मनुष्यों को कहा द से दान। मनुष्य सोचा कि मनुष्य कंजूस होता है, धर्म कार्य के लिए दान नहीं देता, तो उसको कहा कि तुम दिया करो दान करो। देवताओं को उपदेश दिया कि इंद्रियों का दमन करो क्योंकि स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई मरता नहीं, सुख ही सुख है, तो विषय भोगों में फंस जाएंगे, परम तत्व को नहीं प्राप्त करेंगे। असुरों को क्या कहा, तुम दया करो, तुम प्राणियों की हिंसा करना बंद करो। एक बार असुरों ने शिकायत की कि हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता है, जब देखो तब किसी बात में देवताओं को ही आगे कर दिया जाता है, हम क्यों नहीं आगे होंगे, इस यज्ञ में सबसे पहले तुमको ही भोजन कराया जाएगा, लेकिन शर्त यह रखी जाएगी कि तुम्हारी कोहनी पर डंडा बांध दिया जाएगा। डंडा तो बदा हुआ है पंक्ति, अब वो खाएं कैसे, भोजन दे दिया जा रहा है। असुर केवल अपने बारे में सोचते हैं, हाथ मुड़ता नहीं, मुंह में डालने का प्रयास करते हैं, सारा भोजन नीचे गिर जाता है। समय बीत जाता है लंबा, सारा भोजन बर्बाद कर दिया, किसी के मुंह में एक भी दाना आने का नहीं।
अब देवताओं की बारी आई। देवताओं ने तो देना सीखा था, लेना सीखा नहीं। उन्होंने आमने सामने दोनों पंक्तियां बना ली, दूसरे के मुंह में खिलाते गए और सबका भोजन पेट भर गया। प्रजापत ने हंसते हुए कहा कि देखो, तुमको पहले अवसर दिया था, तुमने कभी देना सीखा नहीं है, लूट मार करना सीखा है, इससे तुम दुखी हो। और जिसने केवल देना सीखा है देवताओं ने, इसलिए देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि ये दूसरों की सहायता करते हैं। आप सुंदर सा देखिए, मैंने देखा है हम सुंदर साथ में भी कितनी बड़ी बड़ी दीवारें कन्या जी में मैं देखता हूँ। कुछ जो अमीर सुंदर साथ होते हैं उनके लिए बाथरूम अटैच कमरे होते हैं, सब जगह पूछताछ होती है। उन गरीब सुंदर साथ को भी मैं देखता हूँ जो बसों में भर कर आते हैं, बेचारे उनके पास कुछ नहीं होता, खुले आकाश में रहते हैं, पानी बरसता है तो कैसे कैसे गुजारा करते हैं। वे ठीक है कि वे गरीब लोग हैं, कैसे भी है, लेकिन हैं तो सुंदर सा। वहाँ किलकिला के गंदे जल में भी स्नान कर लेते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सेवा लिखवा सके, तो भोजन भी करने नहीं जाते, अपना अलग भोजन बनाते हैं, खुले आकाश में रहते हैं। लेकिन हमारा समाज कभी ये नहीं सोचता कि ये भी तो सुंदर साथ है। सभी स्थानों पर होता है, गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनती है। जिस दिन सुंदर साथ आत्मिक संबंध को जान जाएगा, धन के महत्व को नकार देगा। धन आवश्यक है संसार को चलाने के लिए, लेकिन धन आत्मा पर मन पर हावी नहीं होना चाहिए। जहां आत्मिक संबंध होते हैं वे पहले होते हैं। ऐसा नहीं कि धन सब पे भारी पड़ जाए, आत्मिक रिश्तों को तोड़ दे। सुंदर साथ में एक बहुत बड़ी खाई है कि सुंदर साथ से आत्मिक डोर में नहीं बता हुआ है, वो कहीं ना कहीं संसार के रिश्तों में बता हुआ है। इसलिए दम दिल तन एक बिछुड़ के भूली बदन, दम दिल तन एक है। परम धाम में क्या है, सबके अंदर एक ही अक्षरातीत का दिल, सबका तन कैसा है, एक जैसा। जितनी सुंदर श्यामा जी हैं, उतनी सुंदर इंद्रावती है, उतनी सुंदर आसवाई है, सभी सबका स्वरूप कैसा है, एक जैसा। सबकी शोभा बराबर है, सबका आनंद बराबर है, सबका प्रेम बराबर है, सबके अंदर चेतना किसकी है, राज्य की। राज्य का ही स्वरूप सबके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस संसार में आने के बाद व्यवहार कैसा है, जानो के सोबत कबू ना होती तो यो कावे सुखम। हम इस संसार में कैसा व्यवहार करते हैं, जानो के सोबत कबू ना होती तो यो कावे सुखम। यह बात कैसे कही जा रही है कि आप कहिए तो हम आपके यहाँ आ जाए। ये कौन पूछ रहा है, राजा राम और सांचन भाई महाराजा छत्रसाल से पूछ रहे हैं कि आप कहिए तो हम आ जाए। तन एक है परम धाम में, दिल एक है, स्वरूप एक है, लेकिन यहाँ सब अलग अलग। और सुंदर साथ में कितनी खाइयां हैं जाति के नाम पर, ये भी आश्चर्य होता है। ऊंची जात का सुंदर साथ अलग रहेगा, छोटी जात का सुंदर साथ अलग रहेगा, धनवान अलग रहेगा, गरीब अलग रहेगा, सुंदर व्यक्ति अलग रहेगा, कुरूप व्यक्ति अलग रहेगा। कितनी खाइयां हमने बना रखी, आत्मिक दृष्टि नहीं है। परिणाम क्या है, आज सुंदर साथ से घृणा करता है। विचारिक मतभिन्न वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है, क्योंकि इस संसार में मोटे मोटे मतभिन्न, लेकिन आत्मिक दृष्टि तो सभी एक स्वरूप। यदि सभी सुंदर साथ ये सोच लें कि हमें अपने अंदर घृणा का संस्कार नहीं पालना है, तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। घृणा एक विकार है, मोह की दृष्टि एक विकार है, जिससे हमारा कुछ स्वार्थ पूरा होता है वो हमारा बहुत प्रिय हो जाता है, जिससे वो पूरा नहीं होता उसको हम किनारे कर देते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, हम आत्मिक प्रेम से अलग हैं और संसारिक प्राणियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो वाणी सारे संसार को एक सूत्र में पिरोने के लिए आई है, जो वाणी सारे संसार को परम धाम की राह दिखाने वाली आई है, उस वाणी का चिंतन करते हुए भी हम सुंदर साथ उससे कोसों दूर हो जाते हैं। हमसे अच्छे तो गीता को मानने वाले हैं, जो कम से कम इतना तो कह देते हैं
कि ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में क्या है, एक चेतना है। क्या हम मान सकते हैं, चाहे गुजरात का सुंदर साथ हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे सिक्किम का हो, चाहे आसाम का हो, सैद्धांतिक रूप में मानते हैं, व्यवहारिक रूप में नहीं मानते। गुजराती गुजराती के साथ रहना चाहता है, पंजाबी पंजाबी के साथ रहना चाहता है, नेपाली नेपाली के सुंदर साथ रहना चाहता है। ये भेद क्यों, क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव, चलिए आपको खाने पीने की अलग अलग पसंद होती है, उसके आधार पर तो भेदभाव माना जा सकता है। लेकिन यदि सुंदर साथ में जातीयता की भावना घर कर जाए, लोक रीति रिवाज के आधार पर भेदभाव करें, एक दूसरे से घृणा करें, तो ये बहुत हास्यास्पद होता है। विचारों की मतभिन्नता के कारण यदि घृणा करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। पांचों पांडव देखिए, युधिष्ठिर की जो सोच है वह भीम की सोच नहीं है। भीम का स्वभाव उग्र है, युधिष्ठिर का स्वभाव शांत है। नकुल प्रतिभाशाली है, नकुल सुंदर है, सहदेव बुद्धि के अग्रगण्य है और अर्जुन धनुर्धर है। पांचों भाइयों में कुछ न कुछ वैचारिक मतभिन्नता है। राम और लक्ष्मण में वैचारिक मतभिन्नता है, राम और लक्ष्मण के विचार नहीं मिलते, लेकिन लक्ष्मण की अटूट आस्था है राम पर, इसलिए पांचों पांडवों में मेल है, राम और लक्ष्मण में मेल है। हम सारे सुंदर साथ, हमारी वाणी एक, परम धाम एक, सब कुछ एक है, लेकिन जगह जगह मंदिर मंदिर के सुंदर साथ आपस में एक नहीं है। एक नगर के सुंदर साथ दूसरे नगर के साथ आत्मीयता के बंधन में नहीं बंधे हैं। पूरे देश के विश्व के सुंदर साथ कहां से एक बंधन में बंध पाएंगे, तो इससे क्या होगा, शक्ति कहाँ है। अभी ये धूप फैली हुई है, इस धूप का कोई उपयोग नहीं, इसी धूप को जब एकत्रित कर देंगे सोलर पावर के रूप में या आरसी शीशे के रूप में, तो एक ज्वाला निकलती है, बिजली पैदा होती है। खेत में घास उगी होती है, बकरी भी आती है तो चर जाती है, लेकिन उसी घास की रस्सी बना देंगे तो मत वाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। ऐसे जिस दिन सारा सुंदर साथ मिलजुल कर रहेगा, सत्य को अंगीकार करेगा, एक अक्षरातीत के अंगरूप सबको समझकर अपने हृदय में प्रेम की रसधारा बहेगा, कभी भी किसी का स्वप्न में अहित नहीं सोचेगा, मन वर्ण कर्म से सबसे प्रेम करेगा, उस दिन जागनी होने में देर नहीं लगेगी। ब्रज से रास में कैसे गए थे, एक बांसुरी की आवाज बजी थी, सबने सुनी और उसी क्षण सबने शरीर छोड़ दिया, योग माया में जाकर प्रत्यंग से मिलन किया। जागनी ब्रह्मांड में जागनी का अंतिम समय क्या होगा, जब सब सुंदर साथ केवल राज्य के प्रेम को प्राथमिकता देने लगे। हमारे लिए परम धाम की वाणी सर्वोपरि हो, राज्य जो मूल मिलन में विराजमान है, हमारी आत्मा के धाम हृदय में भी विराजमान है, और उनको पाने के लिए जिस दिन सभी चितवनी में लग जाएंगे, सभी विरह की रसधारा में डूब जाएंगे, वही क्षण होगा महाप्रलय का। सब सुंदर साथ पूछते हैं कि महाप्रलय कब होगा, चाहे हंसते हुए राज्य को मानिए या रोते हुए मानिए, मानना तो पड़ेगा। अब देखिए कोरोना का समय बीत गया, जब देखते थे कि चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है, तो सभी राज्य राज्य कहने लगे थे। अब फिर काम का बोझ आ, अब सब कहने लगे कि अब काम का बोझ है, चितवने के लिए समय नहीं, वाणी चिंतन के लिए समय नहीं। जब मनुष्य को याद आती है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तब वो सावचेत होता है, नहीं तो क्या होता है। मनुष्य सोचता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी दुखी नहीं होऊंगा, वो संसार में फंसता जाता है। यदि संसार की नश्वरता का आभास हो जाए, राज्य के अखंड संबंध का आभास हो जाए कि राज्य हर पल हमारे साथ है, तो मैं समझता हूँ सबके हृदय में विवेक जागृत हो जाए और सभी परम धाम चलने के लिए तैयार हो जाए। यदि अभी राज्य घोषणा करते कि आज 4 बजे महाप्रलय होना है, कितने सुंदर साथ अर्जी लगा देंगे कि राज्य हमारी तो फैक्ट्री तैयार नहीं हुई थी, हमें अपने पोते का विवाह करना था, हमें ये करना था, आप थोड़े 1 साल और बढ़ा दीजिए। सभी तैयार नहीं होंगे, कुछ तैयार होंगे, जो दुखी बेचारे होंगे वो सोचेंगे कि चलो खेल खत्म हो जाए, लेकिन जो सुख में मस्त हैं कभी भी तैयार नहीं है। इसलिए जैसे ब्रज से रास में जाते समय विरह की अग्नि दी गई, 52 दिन की जुदाई के पश्चात सबके अंदर तड़प हुई कि हम राज्य से मिले, उसी तरह से जागनी के ब्रह्मांड में जब सबके अंदर तड़प पैदा हुई
चाहे वो विश्व युद्ध के बाद हो या वाणी के प्रकाश से। हंसकर छोड़ो या रो जिन करो अंदेशा को, या तो हंसते हुए संसार को राज्य के चरणों में आना पड़ेगा या रोते रोते संसार राज्य के चरणों में आएगा। और राज्य के चरणों में आने के बाद जब वो संसार को छोड़ने की इच्छा से राज्य से प्रेम करेगा तब खेल खत्म होगा। उस स्थिति के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। और हम इस कार्य में जितना सहयोग करते हैं, अपने जीवन का त्याग करते हैं, अपनी भौतिक उपलब्धियों को किनारे करके सब सुंदर साथ को एक प्रेम के सूत्र में देखते हैं। अपना दिल दे औरों का दिल लीजिए, इन्वित चरण हो पहुंचाए। आप सबको परम धाम की दृश्य देखिए, अपने हृदय में प्रेम भरिए। यदि हर सुंदर साथ ऐसा करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि खेल ज्यादा समय तक चल पाएगा। और यही मार्ग हमें अपनाना है। मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ कि सभी आपसी मनोटाव को भूल कर संगठित हों, वाणी के प्रकाश को लेकर पूरे नेपाल में जाएं, पूरे विश्व में जाएं। सारा संसार आपकी बाट देख रहा है कि परमधाम की ब्रह्मात्माएं कब परमधाम का जन्म देगी, कब हमको अखंड परमधाम की राह पर ले चलेंगे। जब हम आपस में लड़ेंगे, घृणा करेंगे एक दूसरे से, तो हम दूसरों को क्या मार्ग दिखा पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? शत्रु को नष्ट करने का सबसे बड़ा शस्त्र होता है उससे प्रेम करना। घृणा को घृणा से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने हृदय में परम धाम का प्रेम भरिए। उस प्रेम की सुगंधि से जो आपसे घृणा करता है वह भी घृणा का परित्याग कर देगा। इसी विश्वास के साथ हर सुंदर साथ वाणी के चिंतन में लगे और चिंतन में लगे मेरे लिए। मेरी ओर से सब सुंदर साथ के लिए शुभकामना और राज्य से प्रार्थना है कि राज्य सब पर कृपा की अपार वर्षा करें, जिससे हर सुंदर साथ परम धाम के मार्ग पर सरलता पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।